नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज पूरी तरह से अखिलेश यादव छाए रहे और उनके छाने का जो कारण है वो पूरी तरह से राज्य सरकार की एक विफलता है, वो रणनीतिक चूक है, जिसकी वजह से ये समझ लीजिए कि अगर अखिलेश यादव जी अगर प्रचार पैसे देकर प्रचार कर रहे होते तो आज उनको इतनी सुर्खी बटोरने का मौका ना मिलता जितना ये योगी सरकार ने अपनी एक रणनीतिक गलती की वजह से उनको मीडिया में स्पेस दिला दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जयंती है आज, तो उस उपलक्ष में अखिलेश यादव जी को लखनऊ में JPNIC जो है वहाँ जाना था और उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण करना था, ये उनका कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के लिए अखिलेश यादव जी कल रात में ही वहाँ पहुँच गए। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के कौन से वो रणनीतिकार हैं जिनको ये लगा कि अखिलेश यादव जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनको उस प्रतिमा में माल्यार्पण करने से रोकने की जो नीति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरी तरह से बेकार की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उनको रोकने के लिए 12-12 फुट की टीन लगा दी गई ताकि वो फांद कर भी ना जा सकें। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है क्यों इनको प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए नहीं भेजा गया, उसके पीछे जो तर्क है वो बहुत ही नाजुक सा है, बहुत ही हास्यास्पद है। दरअसल उसमें जो LDA ने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि यहाँ पर बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो इनको उन कीड़ों से एक नुकसान हो सकता था, ये तो इनका पहला तर्क है। इसके बाद जो वहाँ पर नगर निगम है उनका दूसरा तर्क आया, उन्होंने तर्क ये दिया कि वहाँ पर जो ये आवारा पशु होते हैं इनकी वजह से अखिलेश यादव जी को खतरा हो सकता था, इसलिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि अखिलेश यादव जी वहाँ माल्यार्पण ना करने जाएं। ये तो दोस्तों तर्क थे इनके। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, प्रश्न अब ये उठता है, क्या योगी सरकार इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि आवारा जानवरों से पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को सुरक्षा भी नहीं दे सकती है, या इनके पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि आवारा पशु कम से कम ऐसी जगह पर ना घूम पाए, उनके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं उनको रखने की जगह बनानी चाहिए। इसके साथ ही साथ अब जो पहला वाला इनका बहाना है, आप ये तर्क समझ लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बरसात का मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं, उससे उनको नुकसान हो सकता है, तो दोस्तों इस बात में भी कोई दम नहीं है क्योंकि मालूम है कि माल्यार्पण होना है तो वैसे भी वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अरे, 2 दिन लेबर और मिस्त्री को लगा करके उसकी सफाई करवा देते, वो सारे वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होंगे वो हट जाते, और अखिलेश यादव जी आते, उनको सुरक्षा के बीच वहाँ ले जाते और वो माल्यार्पण करते और वो वहाँ से चले जाते, सिर्फ इतनी सी बात होती। अब क्या है कि जब उनको रोक दिया गया तो अखिलेश यादव जी ने अपने घर पर एक प्रतिमा को मंगाया, जयप्रकाश जी की प्रतिमा आ गई और उन्होंने उस पर माल्यार्पण किया। उसके बाद जो भाषण देना था वो उन्होंने अपनी स्पीच को दिया और जनता को संबोधित किया, साथ में सरकार को भी लताड़ लगाई और ज़बरदस्ती की जो उनको न्यूज मिल गई ये इनको मिल नहीं सकती थी अखिलेश यादव जी को। ऐसे नॉर्मल केस होता तो अखिलेश यादव जी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाते, माल्यार्पण करते और TV मीडिया पे एक छोटी सी पट्टी चल जाती कि हाँ, इन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, ये चल जाती। दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है,
जब गांधी जयंती में इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती है नेताओं को, तो जेपी जी की जयंती पे अगर माल्यार्पण पर अखिलेश जी कर देते तो इनको उतनी ज़्यादा लाइमलाइट ना मिलती। लेकिन इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये किया, इसकी वजह से इनको पूरे दिन ये न्यूज पे छाए रहे और अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई। दोस्तों, इस तरह की बचकानी जो चीज़ें होती हैं उससे किसी को भी बचना चाहिए। ये जो भी रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको के चीज समझ में नहीं आती है कि आखिर इससे होगा क्या जो आप रोक रहे हो। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि दरअसल इसके पीछे खेल विपक्षी जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। विपक्षियों का ये कहना है कि दरअसल योगी सरकार ये छुपाना चाहती है कि वहाँ पर अगर किसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है तो वो ना दिखे। दरअसल उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के अगर नेता जाते तो वहाँ पर उनके कार्यकर्ता भी जाते, और जब कार्यकर्ता जाते तो वो वहाँ पर हर एक चीज़ की फ़ोटो वगैरह भी खींचते, और जब फ़ोटो खींचते तो उससे कहीं अगर दीवार टूटी है या किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार जैसी चीज़ है वो सामने दिखती कि ये टूटी हुई है तो क्यों टूटी हुई है, कोई चीज़ ख़राब है तो क्यों ख़राब है। तो इस चीज़ से योगी सरकार बचना चाहती थी, इसलिए योगी सरकार ने इनको वहाँ पर रोक लगा दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो तर्क आ रहा है विपक्ष की तरफ से, ये भी दमदार नहीं है। कारण कि JPNIC में अगर किसी को 1000 रुपये भी दे देंगे, जो वहाँ का सफाई कर्मचारी हो या कोई भी, तो अंदर की सारी वीडियो बनाकर लाकर बाहर दे देगा। ये इतना बड़ा काम नहीं है कि किसी को आज के टाइम में पता ना लगे कि कहाँ पे क्या टूटा है क्या फूटा है, ये आराम से पता लग जाएगा कोई अगर देखना चाहेगा। तो इसमें भी दम नहीं है। अब ये पता नहीं क्या बुद्धि में आया भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का, जो इन्होंने रोक लिया। अब इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान होना ही है, क्योंकि राजनीति में हर एक चीज़ नफ़ा और नुकसान के साथ होती है। अब क्या नुकसान होगी, कितने लेवल की होगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये जो भी किया है, ये कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं करी है, इसमें कोई बुद्धिमानी वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि आपने अपने विरोधी दल के नेता को, आपने अपने विरोधी दल को मजबूत होने की जगह खुद दे दी है। सरकार ने भी दी और जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों ने भी दी, क्योंकि ये इस चीज़ से बच सकते थे जो ये बचे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये अब दिखने में तो आ ही गया है कि ये इन्होंने क्या किया है, उस पर अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। अब देखते हैं कि अब आगे और क्या होता है। तो दोस्तों, अब इस पर कुछ और डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद।